हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 2.2 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, कहा गया निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, मतलब इसे सरल करके आंसर बताना है। जो यहाँ पे 1 + x² - 1/x, इतनी बड़ी जो संख्या है, इसे और सरल रूप में आपको लिख के बताना है क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जब भी सरलतम रूप में आपको लिखना होगा तो ध्यान देना होगा, यदि जो है यहाँ x के रूप में कुछ भी दिया जाता है तो x को आप जो है प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब आप x को या तो साइन मानते हैं या टेन मानते हैं या सेक मानते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल में भी हम ऐसा कुछ करेंगे, एक्स के स्थान पे या तो साइन मानेंगे, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट, इनमें से कुछ भी मानते हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सी चीज मानी जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें जो है कक्षा 10 में जो आपने सर्व समीकरण पढ़ी थी, वो सर्व समीकरण यदि आपको पता है तो उस हिसाब से ही माना जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, यदि आपके पास 1 - x² आ जाए तो यहाँ x का मान या तो आप साइन मानते हैं, कॉस भी मान सकते हैं, लेकिन हम आपको साइन के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 - sin² θ का फार्मूला है आपके पास। यदि आपके पास 1 + x² आ जाता है तो 1 + x² तो x का मान टेन थीटा आप रखते हैं, क्योंकि 1 + tan² θ की सर्वसमिका होती है sec² θ। इस वजह से आप जो है 1 + x² की स्थिति में x का मान टेन थीटा रखेंगे, लेकिन यदि x² - 1 है तो x का मान आप क्या रखते हैं? sec थीटा, क्योंकि sec² θ - 1 = tan² θ होता है। तो इस वजह से आपके पास यदि 1 + x² लिखा है तो x का मान आपको टेन थीटा रखना ही पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हमने हल, अब देखिए x का मान हमें क्या मानना पड़ेगा, मान के चलिए x बराबर टेन थीटा, ध्यान रखना x को माना है टेन थीटा, लेकिन यहाँ लास्ट में जो आंसर होगा वो थीटा के रूप में नहीं आप लिखेंगे, x के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप x के रूप में लिखेंगे तो थीटा का मान जो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए जब x बराबर टेन थीटा है तो थीटा का मान टेन इस तरफ लाना होगा, तो थीटा का मान जो रहेगा वो टेन इनवर्स x, यह तो लास्ट में रखने के लिए, यदि लास्ट में थीटा आता है तो थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स x रख सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए हम कैसे मान निकालते जाते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले x की जगह पे क्या रखेंगे, टेन रखेंगे, तो यहाँ पे 1 + tan² हो जाएगा और नीचे भी टेन रखना होगा। तो यहाँ पे हमने x के स्थान पे टेन वर्ग थीटा रख दिया है, क्योंकि x वर्ग था टेन वर्ग थीटा और x के स्थान पे टेन थीटा हो जाएगा। देखिए, और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स तो रहेगा बाहर, अब यहाँ पे देखिए 1 + tan² θ होता है sec² θ, लेकिन sec² θ जब करणी के अंदर रहेगा और जब करणी से बाहर निकालोगे तो केवल sec θ आएगा, क्योंकि करणी sec² θ है, तो वर्ग वर्गमूल तो कट जाएगा, sec θ - 1 और बटे क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो बन चुका है sec θ - 1 / tan θ, यहाँ पे इतना तो आंसर आप कह नहीं सकते हैं, इसे और सरल बनाएंगे। तो इसे और सरल कैसे बनाएंगे, पूरे सवाल को जो यहाँ कोष्टक है उसे साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो देखिए, साइन कॉस में कैसे चेंज करना होता है, जो sec θ होता है वो आप लोगों को पता होगा 1/cos कहलाता है। तो यहाँ sec θ के स्थान पे 1/cos लिखेंगे -1 और बटे, और टेन के स्थान पे साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो sin θ / cos θ। देखिए, यहाँ पे आपको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेक तो 1/cos लिखना पड़ेगा और टेन को sin/cos लिखना पड़ेगा। बटे में कॉस है, बटे में यहाँ भी कॉस है, तो कॉस से हम अंश हर के प्रत्येक स्टेप में यदि गुणा कर देते हैं तो देखिए टेन इनवर्स, यहाँ यदि कॉस से गुणा किया जाएगा तो यहाँ 1 आएगा माइनस चिन्ह, और यदि 1 में कॉस से आप गुणा करोगे तो cos θ आएगा यहाँ पे, और फिर बटे में देखिए sin/cos में कॉस से गुणा करोगे तो केवल आएगा साइन। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो बन चुका है 1 - cos / sin, अब देखिए 1 - cos θ का यदि आपके पास कोई फार्मूला है तो देखिए, आपने पिछली क्लास में जो फार्मूला पढ़े होंगे, 1 - cos² θ का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 - cos² θ जो होता है 2 sin² θ होता है, यह फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल। देखिए, 1 - cos² θ का अब हम लगा रहे हैं, मतलब यहां यदि 2 θ है तो यहां 1 θ होता है,
यहां यदि चार होते तो यहां दो होता, लेकिन यदि यहां एक थीटा होता तो यहां पे जो थीटा है इस थीटा की जगह आधा थीटा होता, थीटा बटे दो होता। तो यहां पे एक तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का, ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होगा 2 sin वर्ग थीटा बटे 2। अब ध्यान देना नीचे क्या था, साइन थीटा। अब देखिए जब ऊपर थीटा बटे दो चल रहा है और नीचे थीटा है तो सवाल फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर जो है आधा थीटा और नीचे एक थीटा है, तो फिर सवाल जो है आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो जो साइन थीटा है नीचे, इसको भी हम आधे थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक फार्मूला आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, ये फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखिए साइन यदि 2 थीटा है तो यहाँ एक और एक थीटा लिया जाता है, यदि यहाँ 4 होते तो यहाँ पे आधे 2 और 2 लिए जाते। लेकिन अब यदि यहाँ 2 थीटा के स्थान पे 1 थीटा है तो फिर यहाँ जो 1 थीटा था, 1 के स्थान पे आधा थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए आप। कि यहाँ पे यदि 2 थीटा है तो 1 थीटा, और 1 थीटा है तो आधे थीटा। तो यहाँ पे फिर साइन थीटा का मान आपको यह रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप कारण लिख सकते हैं कि चूंकि 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin वर्ग थीटा बटे 2 होता है, और sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2 होता है, इस वजह से ऐसा लिखा है। और ऐसा लिखने से क्या अंतर आया होगा, ऊपर नीचे की संख्याएं कुछ आपस में कट जाएंगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन वर्ग है मतलब डबल बार साइन है, तो एक साइन आपस में कट जाएंगे, लेकिन फिर भी यहां पे एक साइन बचा होगा ऊपर, क्योंकि यहां वर्ग लगा था, एक साइन कट गए, 2 से 2 कट गए, एक साइन बचा होगा और नीचे बचा होगा cos थीटा बटे 2। अब आपको पता है साइन बटे कॉस होता है टेन का मान, तो यहाँ टेन इनवर्स तो हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा बटे 2, तो यहाँ को sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2, और साइन बटे कॉस होता है टेन का मान, तो यहाँ टेन थीटा बटे दो का यह फार्मूला बन जाएगा। और हमने आपको बताया था कि यदि टेन इनवर्स और टेन एक साथ आ जाए, साइन इनवर्स साइन आ जाए, कॉस इनवर्स कॉस आ जाए, तो वो आपस में कट जाते हैं। तो केवल आपके लिए यहाँ पे प्राप्त जो होगा θ/2 प्राप्त होगा। और θ/2 को यदि आप लिखते हैं तो देखिए इस 2 को यदि हम आगे लिख दें तो 1/2 लिखा, और थीटा की जगह थीटा का जो मान हमने शुरुआत में निकाला था टेन इनवर्स एक्स, वो टेन इनवर्स एक्स आप रख देंगे और यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें सरलतम रूप में लिखना है। सवाल है टेन इनवर्स 1/करणी के अंदर x² - 1। तो देखिए यहाँ पे भी आपको x के बराबर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, और हमने आपको बताया था कि यदि 1 - x² आए तो साइन मानते हैं, तो यहाँ 1 - x² नहीं है, x² - 1 है, और x² - 1 यदि आए तो x का मान आपको sec थीटा मानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान के चलेंगे x = sec थीटा। देखिए यदि यहाँ से थीटा का मान आप निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में रखना होगा, तो sec को आपको उस तरफ ले जाना होगा, तो sec इनवर्स x होगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारा सवाल था, उस सवाल में हम x के स्थान पे क्या रखेंगे, sec थीटा। तो देखिए जो सवाल था हमारा, इसमें अब रखने वाले हैं, तो देखिए tan इनवर्स ऊपर तो एक है, नीचे यदि हम देखें तो यहाँ x² और x की जगह sec थीटा यदि आप रख रहे हैं, तो यहाँ पे sec² थीटा होगा, -1 लिखा हमने। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स तो लिखते ही चलना है और ऊपर एक लिखते चलना है। अब देखिए आप लोगों ने जिस सर्वसमी का, तो सब लोगों को याद होगी 1 + tan²θ = sec²θ। अब यदि हम देखें 1 का पक्षांतर कर देते हैं तो sec²θ - 1 tan²θ की हो जाएगी, तो यहाँ पे करणी लिखी और फिर हमने लिखा यहाँ tan²θ। और आगे यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, और यहाँ पे देखिए 1/करणी और वर्ग और वर्गमूल दोनों आपस में कट सकते हैं, तो यहाँ पे केवल आपको tan थीटा प्राप्त होगा। और आगे यदि आप करेंगे तो tan इनवर्स, देखिए 1/tan
एक बटे टेन आपको पता है कॉट कहलाता है, तो यहाँ पे कॉट आपको प्राप्त होगा। अब देखिए टेन से कॉट तो आपस में कट नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे टेन से टेन ही कट सकता है, तो कॉट थीटा को टेन थीटा के रूप में आप चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, आपने 90 माइनस थीटा का फार्मूला तो देखा ही होगा, तो यहां पे आपको पता है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो इस वजह से हम कॉट थीटा के स्थान पे टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पीछे आप कारण भी लिख देते हैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा के स्थान पे यह लिखा है। लिखने से क्या अंतर आया होगा, आप टेन से टेन कट सकते हैं, वरना टेन और कॉट नहीं कटते, यहां भी टेन से टेन नहीं कटते क्योंकि टेन बटे में है, तो यहां टेन से टेन कट सकते हैं। अब बचा होगा 90 माइनस थीटा, और देखा जाए तो 90 यहाँ पे पाई बटे दो हमने लिखा, और थीटा की जगह थीटा का मान रख सकते हैं, जो थीटा का मान है सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स लिखा, यही हमारा भी आंसर होगा। देखिए अगला सातवां क्वेश्चन, टेन इनवर्स करणी के अंदर है, एक माइनस कॉस एक्स बटे एक प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे आप एक्स बराबर कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि ना तो वन माइनस एक्स वर्ग है, मतलब एक्स के रूप में यदि फलन होता है तभी मानते हैं, यहाँ कॉस एक्स पहले से दिया गया है, फिर तो आपके पास फार्मूला ही काम करेंगे कि वन माइनस कॉस एक्स का आपके पास कोई फार्मूला है क्या, वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण फार्मूले जो होते हैं, वन माइनस कॉस टू थीटा का, अभी भी हमने जो है पिछले सवालों में भी बताया था, वन माइनस कॉस टू थीटा जो होता है टू साइन वर्ग थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे है वन माइनस कॉस एक्स, मतलब वन माइनस कॉस थीटा ही है एक प्रकार से। यदि दो थीटा की जगह एक थीटा हो जाए, तो यहाँ पे हमने अभी अभी पिछले सवाल में लगाया था, तो यहाँ एक थीटा की जगह आधा थीटा होता है, मतलब दो थीटा है तो एक थीटा और एक थीटा है, तो यहाँ आधा थीटा होता है, तो एक तो आपका यह फार्मूला लगेगा, दूसरा फार्मूला प्लस में होता है, यहाँ पे वन प्लस कॉस दो थीटा बराबर होता है दो कॉस वर्ग थीटा। अभी यहाँ पे फिर देखिए दो थीटा है तो एक थीटा, लेकिन यदि यहाँ पे एक थीटा होगा तो यहाँ पे फिर एक ना होके आधा थीटा होगा, तो एक यह फार्मूला आपको लगाना है और एक यह फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे हमें इन दो फार्मूलों का यूज करना होगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो जो सवाल था वो सवाल लिखेंगे। अब देखिए इस सवाल में यदि आप मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए टेन इनवर्स तो हमने लिखा, अभी यहाँ पे देखिए करणी भी हमने लगाई, अभी यहाँ पे ध्यान देना, वन माइनस कॉस एक्स और वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला दो साइन वर्ग थीटा बटे दो है, अब थीटा की जगह एक्स आ जाएगा, तो फिर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, दो साइन वर्ग एक्स बटे दो होगा। और नीचे यदि हम देखें तो वन प्लस कॉस एक्स, मतलब वन प्लस कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो दो कॉस वर्ग और थीटा की जगह एक्स आएगा, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए यहां भी यदि हम देखें दो से दो तो कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, बाकी बचा होगा साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस आपको पता है टेन कहलाता है, तो यहाँ पे टेन वर्ग एक्स बटे दो बन जाएगा और करणी रहेगी, तो इस प्रकार से देखिए दो से दो हमने काट दिया है, साइन वर्ग बटे कॉस वर्ग है टेन वर्ग बना दिया है। अब देखिए आपको पता है वर्ग से वर्गमूल आपस में आप काट सकते हैं, तो यहाँ टेन इनवर्स वर्ग वर्गमूल यदि आप काट देते हैं तो टेन एक्स बटे दो हमें प्राप्त होता है, और टेन से टेन इनवर्स आपस में कट सकते हैं, तो आपको केवल आंसर में एक्स बटे दो प्राप्त होगा, यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो देखिए अगला सवाल है आठवां, यहाँ पे भी हमें सरलतम रूप में लिखना है, तो देखिए टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमें दिया गया है, तो देखिए इसे हमें सरलतम रूप में कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ जब शुरुआत में टेन इनवर्स है तो यहाँ जो पूरा सवाल बनेगा वो भी टेन में बनेगा, क्योंकि जब तो टेन से टेन इनवर्स कटेगा तो टेन में बनाने की कोशिश आपको करनी है, और टेन कैसे बनेगा यहाँ पे ध्यान देना, साइन में ही यदि आप कॉस से भाग देंगे तभी टेन बन सकता है, तो हम क्या करते हैं जो कोष्टक है इसके अंश और हर में कॉस से भाग दे देते हैं, क्यों दे दें कॉस से, क्योंकि साइन बटे कॉस टेन बन जाएगा,
तो इस प्रकार से यदि आप कॉस में कॉस से भाग करेंगे, साइन में कॉस से भाग करेंगे, कॉस में कॉस से करेंगे, साइन में कॉस से, मतलब हर एक स्टेप में कॉस से भाग करेंगे, तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे ध्यान देना, टेन इनवर्स लिखा हमने, देखिए कॉस बटे कॉस तो आपस में कट जाएगा यहाँ पे एक, और यहाँ साइन बटे कॉस कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा, तो 10x। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको एक प्राप्त होगा प्लस, और यहाँ पे आपको साइन बटे कॉस मतलब यहाँ पे भी आपको 10 प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल बन चुका है, 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फार्मूला लगने वाला है, 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x, और यह फार्मूला बहुत ज्यादा दो तीन सवालों में लगेगा भी। तो यहाँ पे इस फार्मूले को समझ लेते हैं, इसके बराबर होता है पाई बटे 4 माइनस x 10 होता है। तो देखिए यदि आपने पिछली क्लास में यह फार्मूला पढ़ा हो, टेन ए माइनस बी का फार्मूला पढ़ा हो, कोष्टक में ए भी है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता था, टेन ए माइनस टेन बी और बटे होता था 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। यह फार्मूला तो आप लोगों ने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम कहें एक ही जगह 45 रख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, टेन और ए के स्थान पे 45 रखा हमने, माइनस बी के स्थान पे क्या रख दिया जाए, एक्स रख दिया जाए, तो 45 माइनस x का क्या होगा, 10 45 होगा, माइनस 10x हो जाएगा, और फिर बटे में 1 प्लस 10 a मतलब 10 45 होगा, और इंटू 10 b मतलब 10x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आखिर 10 45 का मान एक माइनस 10x, और यहाँ पे 1 प्लस 10 45 एक होता है, 1 इंटू 10 करेंगे तो 10x आएगा। मतलब हम कह सकते हैं 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x जो होता है 10 45 माइनस x का होता है, तो 10 45 माइनस x हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे यदि लिख देते हैं तो 10, और यहाँ पे देखें तो इसका मान क्या होता है, 10 पाई बटे 4 मतलब 45 माइनस x होता है, तो हमने 45 माइनस x लिखा। 10 से 10 इनवर्स आपस में कट सकते हैं, जो 10 इनवर्स और 10 यदि आप काट देते हैं तो पाई बटे 4 माइनस x हमें प्राप्त होता है, यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। देखिए अगला 9वां क्वेश्चन है, इसे भी हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए सवाल है 10 इनवर्स x बटे ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग। तो देखिए हमने आपको नियम बताया था, जब भी 1 माइनस x वर्ग आता है तो फिर आप x के स्थान पे साइन थीटा रखते हैं, तो यहाँ पे भले ही ए वर्ग आ रहा है, तो ए वर्ग समझ लीजिए, एक को ही आप समझ लीजिए, तो ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग यदि आता है तो x का मान हम साइन थीटा रखते हैं, लेकिन ध्यान देना यदि यहाँ ए वर्ग आता है तो x का मान फिर ए साइन थीटा हमें रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे ए वर्ग चल रहा है, इसलिए ए साइन थीटा, यदि बी वर्ग होता तो बी साइन थीटा हमें मानना पड़ता। अब देखिए यहां से यदि आप थीटा का मान निकालेंगे, तो पहली चीज तो आप ए लाएंगे बटे में, तो यहाँ पे कह सकते हैं साइन थीटा का जो मान होगा क्या होगा, ए चला जाएगा बटे में, तो एक्स बटे ए हो जाएगा। और आगे यदि आप थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर साइन, अब उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और एक्स बटे ए, तो यहाँ थीटा का जो मान है वो साइन इनवर्स एक्स बटे ए है। अब देखिए अब जो आपके पास सवाल था उस सवाल में आप मान रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप मान रखते हैं, तो हमने लिखा 10 इनवर्स, और देखिए एक्स एक्स के स्थान पे हमें रखना है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा हमने रखा, और नीचे देखिए करणी है, फिर ए वर्ग है, ए वर्ग हमने लिखा माइनस, अब ध्यान देना ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा रख रहे हैं लेकिन वर्ग लगा था, तो क्या हो जाएगा, ए वर्ग साइन वर्ग थीटा होगा, ए वर्ग साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। और आगे यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, फिर आपको 10 इनवर्स, और यहां पे देखिए चल रहा है ए साइन थीटा, और नीचे क्या चल रहा है, देखिए ए वर्ग यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ए वर्ग कॉमन हो जाए, तो 1 माइनस साइन वर्ग बचा होगा, यही तो बचा होगा, क्योंकि यदि आप ए वर्ग यहां से कॉमन कर दें तो 1 माइनस साइन वर्ग, और आपको पता है 1 माइनस साइन वर्ग जो होता है, तो 10 इनवर्स लिखा हमने और ए साइन थीटा हमने लिखा, और यहाँ पे ध्यान देना करणी के अंदर
ए वर्ग लिखा और 1 माइनस साइन वर्ग, आपको पता होगा बेसिक सर्व समीकरण जो होती हैं, तो 1 माइनस साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा, तो कॉस वर्ग थीटा यहां भी आप लिखेंगे। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए टेन इनवर्स यहां पे देखें यदि, तो ए साइन ऊपर चला ए साइन थीटा, और नीचे देखिए वर्ग वर्गमूल कट जाएगा, तो ए वर्ग करनी से बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, और कॉस वर्ग बाहर आएगा तो केवल कॉस थीटा बन जाएगा। और आगे देखें इसे यदि आप काट देते हैं तो यहां पे आपको क्या प्राप्त होगा, टेन इनवर्स ए से काट दें साइन बटे कॉस प्राप्त होगा, साइन बटे कॉस का मतलब टेन प्राप्त होगा, और टेन इनवर्स और टेन आपस में कट जाते हैं तो आपके पास आंसर के रूप में थीटा प्राप्त होगा, लेकिन आप थीटा तो आंसर बता नहीं सकते, तो इस वजह से हमने जो थीटा का मान निकाला था तो थीटा का मान आप रख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स बटे हम थीटा का मान रख देते हैं, यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो देखिए अगला दसवां क्वेश्चन है, टेन इनवर्स तीन ए वर्ग एक्स माइनस एक्स घन बटे ए घन माइनस तीन ए एक्स वर्ग, इसको भी हमें सरलतम रूप में लिखना है, और यहां पे बताया गया ए का मान जीरो से बड़ा है और एक्स का मान माइनस ए बटे करणी तीन और ए बटे करणी तीन के बीच में है, तो यहां इनसे ज्यादा हमें मतलब नहीं होता। जब हम इसको सरल करेंगे तो देखिए जो कोष्टक है इस कोष्टक में पूरी जगह एक्स एक्स है, साइन कॉस तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमें एक्स का मान किसी ना किसी चीज के बराबर मानना ही पड़ेगा। तो यहां पे हमने इन सब के लिए तो ऐसा नियम देखा था कि 1 माइनस एक्स वर्ग हो, 1 प्लस एक्स वर्ग हो, एक्स वर्ग माइनस 1 हो, तब ऐसा करते हैं, लेकिन यहां पे तो इन सब के अतिरिक्त ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा हमने कोई नियम ही नहीं पढ़ा है कि तीन ए वर्ग माइनस एक्स आ जाए, एक्स घन आ जाए तब क्या मानना है, तो यहां पे टेन दिख रहा है तो इस वजह से हम यहां भी टेन मान के चलेंगे। यहां पे टेन मानने से क्या आपको सहायता मिलेगी, यहां पे जो पूरा फार्मूला आपको दिख रहा होगा ये टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है, तो यहां पे जो टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है यह फार्मूला होता है, और यही फार्मूला यहां पे कुछ लगेगा क्योंकि तीन है, यहां पे तीन एक्स है, ए के बारे में यदि आप ध्यान ना दें, तीन एक्स है मतलब तीन, टेन थीटा है एक्स घन है मतलब टेन घन होता है, और यहां पे कुछ नहीं है मतलब एक है, और फिर यहां तीन एक्स वर्ग है मतलब तीन टेन वर्ग है, तो हमें क्या करना होगा, इसलिए हम मान के चलेंगे कि यहां पे जो एक्स है एक्स का मान जो है हम टेन थीटा मानेंगे, लेकिन जो है पिछले सवाल में भी हमने देखा ए साथ में था तो ए भी हमें मानना पड़ेगा, तो एक्स बराबर हम क्या मान के चल रहे हैं, ए टेन थीटा। अब देखिए ए टेन थीटा मानेंगे तो यहां से थीटा का मान भी तो आपको निकालना होगा, तो देखिए टेन थीटा बराबर ए बटे में चला जाएगा तो एक्स बटे हो जाएगा, और थीटा का मान यदि आप निकालते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, टेन उस तरफ जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स बटे ए हो जाएगा, तो ये हो गया थीटा का मान। अब देखिए जो आपके पास सवाल था वो सवाल आप लिखेंगे, तो देखिए हमने जो सवाल था वो सवाल लिखा, आप देखिए मान रखेंगे तो टेन इनवर्स, अब ध्यान देना मान कैसे आप रखते हैं, तीन ए वर्ग हमें दिया गया है तो तीन ए वर्ग तो हमें लिखना पड़ेगा, एक्स एक्स के स्थान पे क्या रख दीजिए, ए टेन थीटा रखिए, ए टेन थीटा हमने रखा, माइनस माइनस लिखा एक्स घन, एक्स घन मतलब इसका घन हो जाएगा तो ए घन टेन घन थीटा आ जाएगा, फिर यहां पे फिर बटे लिखेंगे, अब देखिए बटे में ए घन है तो ए घन का तो ए घन ही हमें लिखना पड़ेगा, माइनस तीन ए है तो तीन ए तो लिखेंगे ही, एक्स वर्ग मतलब इस संख्या का वर्ग करेंगे तो यहां ए वर्ग टेन वर्ग थीटा हो जाएगा, तो इस प्रकार से एक्स के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, ए टेन थीटा रख सकते हैं। अब देखिए ए टेन थीटा रखने पे क्या अंतर आया, ऊपर है ए घन, यहां भी तो ए घन हो गया, यहां भी ए घन हो गया, यहां ए वर्ग इंटू ए करोगे ए घन हो गया, मतलब हम कह सकते हैं अंश और हर के प्रत्येक स्टेप में ए घन बन चुका है, तो ए घन जो है अंश और हर के प्रत्येक स्टेप से आप अलग कर सकते हैं, तो ए घन जो है ऊपर से कॉमन ले लो, ए घन नीचे से कॉमन ले लो, तो ए घन क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, तो देखिए हमने ए घन यहां से कॉमन लिया है ऊपर से, तो अब यहां पे देखिए क्या बचा होगा, ए घन यदि आप कॉमन लेंगे तो तीन बचा होगा, टेन थीटा बचा होगा, माइनस ए घन कॉमन कर दिया है तो टेन घन बचा होगा थीटा, और नीचे भी यदि हम देखें तो नीचे भी देख रहे हो ए घन कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे ए घन के स्थान पे एक बचा होगा, ए घन कॉमन करोगे तो तीन टेन वर्ग थीटा यहां पे आपका बच जाएगा, और यदि आप देखें तो ए घन से ए घन क्या हो जाते हैं आपस में,
कट जाते हैं, तो एक घन यदि आपके कटते हैं तो यहाँ पे टेन इनवर्स, और यदि एक घन आपने काट दिए हैं तो 3 tan-10 घन बटे 1 - 3 tan² जी हमने बताया tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो tan 3 थीटा आप लिख सकते हैं इसके स्थान पे, और 10 से 10 आप काट सकते हैं, 10 और 10 इनवर्स आपस में कट जाएंगे तो 3 थीटा जो है बच जाएगा। और देखिए 3 हमने लिखा थीटा के स्थान पे, जो थीटा का हमने मान निकाला था, मान रख देते हैं 10 इनवर्स x/a, और यही हमारा फिर अभीष्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने 6 महत्वपूर्ण प्रश्न किए, आगे के वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।